नमस्कार, आप देख रहे हैं और भट न्यूज फोर शेखपुरा से है। शेखपुरा सदर थाना से सटे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मां सावित्री अस्पताल है, जहां महिलाओं की डिलीवरी झोला छाप डॉक्टर करते हैं। शेखपुरा के ही कोसुम्भा ओपी क्षेत्र के बरैया बिहा गांव निवासी प्रकाश यादव की पुत्री सोनी कुमारी, जो 25 वर्षीय थी, डिलीवरी के लिए पिछले हफ्ते ही अस्पताल में भर्ती कराई गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने 2 यूनिट खून चढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद परिजनों ने 1 यूनिट खून महिला को खुद दिया, दूसरा यूनिट की खून की व्यवस्था डॉक्टर ने की। अब परिजन कह रहे हैं कि महिला को जब पहला यूनिट का खून चढ़ाया गया तब महिला जीवित थी, और दूसरा यूनिट खून चढ़ाने के बाद 25 वर्षीय सोनी के शरीर में खुजली होने लगी, उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों को अस्पताल से बाहर रहने का निर्देश डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया। परिजन यह भी कह रहे हैं कि डॉक्टर के द्वारा महिला के शव को भी गायब कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला देखें इस रिपोर्ट में। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है। आप काम कब से कर रहे हैं डॉक्टर साहब के अंडर में? आप यहाँ काम करती हैं ना? हाँ। क्या काम करती हैं? बस वही इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब अभी जब यहाँ पूरा जिम्मा किसके ऊपर है? अभी आप यहाँ पर हैं, अभी ड्यूटी में हैं आप बोल रहे हैं नाइट में रहते हैं, अभी आप ड्यूटी में हैं ना? तो अभी डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पर, अगर किसी मरीज के साथ होगा तब कुछ। सीनियर स्टाफ हम नहीं हुआ यहाँ, मतलब यहाँ पे नहीं। यहाँ पे है कौन सीनियर? अभी यहाँ पे नहीं, कहीं पे गए हुए हैं। बुलाइए उनको। हमको नहीं पता कि हम आज आए तो। आप यहाँ के स्टाफ हैं, आपके पास उनका नंबर होगा ना? नहीं है। कब से यहाँ काम कर रही हैं? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या रेखा? रेखा। तो अजीब अजीब कहानी होता है, एक अजीब कहानी सुनकर तो आदमी को शरीर कप जाता है। सोचिए, इतना मरीज लेकर आता है यहाँ और उसको इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता। कौन सा अस्पताल में आए थे आप लोग? क्या, कौन सा अस्पताल में आए हुए हैं? माँ सावित्री। क्या हुआ था महिला को समस्या? ड्राइवरी पेशेंट थी तो यहाँ भर्ती कराए थे। भर्ती कराए तो मतलब कि बच्चा तो नॉर्मल तरह से हो गया, मतलब वो भी डेट हुआ उसी में, बच्चे का भी मृत्यु हो गया। हाँ, बच्चा होते समय ही मृत्यु हो गया जी। और प्लस मतलब मरीज को ब्लड का कमी था, तो उसका भाई अमरजीत कुमार ने दिया ब्लड अपना, तो उसका ब्लड से मतलब मरीज सुरक्षित रहा। और उसके बाद जब 2 बोतल और चढ़ाने का लिए, मतलब बोला कि डॉक्टर जी और लाएंगे 2 बोतल, तो 30,000 रुपया भी जमा किए, 30,000 रुपया जमा किए, ले लिया। उसके बाद उनको हटा दिया वहाँ से, अब पता नहीं रखने से हम सबको। तो क्या आप सब के लिए 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं? क्या सब को डेड बॉडी के लिए 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं? 3 दिन से चक्कर। अच्छा, डॉक्टर और जो अन्य कर्मी है यहाँ के, कोई भी नहीं, कोई और छोड़ नहीं बता रहा है, कोई फरार है सब। अच्छा, इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दिए? हाँ, पुलिस क्या बोली? पुलिस बोला कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं। क्या मांग करते हैं आप? गिरफ्तार किया जाए, ऐसा ऐसा डॉक्टर को शेखपुरा से हटाया जाए, क्या इनका मान्यता रद्द किया जाए, क्या ये हॉस्पिटल को सील करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, रद्द किया जाए, हॉस्पिटल भी सील करने की मांग करते हैं, किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दंगल कुमार। कौन है आप मृतिका के? मृतिका का चचा है। हाँ बताइए, क्या समस्या है? समस्या था, मेरी बहन लगती थी यहाँ लेके आए, उसके बाद ये डिलीवरी पेशेंट थी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाए, उसके बाद बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जब हम नॉर्मल से कर देते हैं। उसके बाद फिर बोले कि जमा भी ले लिए, उसके बाद बोले कि ठीक है, हम डिलीवरी कर देते हैं, डिलीवरी हो भी गई थी, उसके बाद ब्लड हम अपना निकाल के दिए, ठीक थी उस समय। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि हमको 2 बोतल का और ज़रूरत है, तो पैसा मांगे, उसके बाद पैसा भी दिए हम 30,000 रुपया खून के अलग से, उसके बाद खून चढ़ाने लगे, उसके बाद हम सबको निकाल दिए। उस समय से हमको मरीज ही नहीं मिल रहा, 3 दिन से मरीज ही नहीं मिल रहा। कब भर्ती करवाए थे? 6 तारीख को करवाए थे। क्या नाम था बहन का? सोनी कुमारी। कितना उम्र है? 29 साल। कहाँ घर है? बरैया बिहा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, गायब है। आपको पता है आपकी बहन नहीं रही? अब
अब ये पता तो है कि कंफर्म कि नहीं रही, नहीं है तब नहीं तो क्या क्या सब के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है कहाँ है नहीं है और जब अंदर और स्टाफ से पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टाफ से पूछते हैं तो मारपीट कर गाली गलौज करके भागा देता है यहाँ से। आप कौन है मृतिका के? कंप्लेंट कर देंगे थाना। आप कौन है मृतिका के? हम भाई है।